हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रिज्यूम करते हैं डिज़ाइन और प्रिंटिंग रॉट का जो मेजर कर रहे थे उसके सेकेंड पार्ट पे। हम लोग आई सेक्शन का डायमेंशनिंग निकाल चुके थे। अगर आप कंटिन्यूएशन में ये वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। क्वेश्चन बड़ा था और क्वेश्चन में जो गिवेन है वो वैल्यू जब तभी पता चलेगी जब हम लोग इसके पहले वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हम लोग आते हैं। अब तक हम लोग कनेक्टिंग रॉड का आई सेक्शन के डायमेंशनिंग टी की वैल्यू, हाइट की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू, एच वन एच टू वैल्यू निकाल चुके थे। आज हम करेंगे डायमेंशन ऑफ क्रैंक पिन, यानी हमें ये पता है क्रैंक पिन साइड कौन सा होता है बिग एंड और पिस्टन पिन साइड कौन सा होता है स्मॉल एंड। ठीक है, तो डायमेंशन उसके निकालना है हम लोग को क्रैंक पिन साइड का और पिस्टन पिन साइड का। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कंटिन्यूएशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के लिए आप लोग को पहला वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। चलिए, डायमेंशन ऑफ क्रैंक पिन और द बिग इंड बेयरिंग एंड पिस्टन पिन और स्मॉल इंड बेयरिंग। ठीक है, इसके डायमेंशनिंग के लिए हम देखे थे कि जो फोर्स की वैल्यू थी, ऐसा एफएल की वैल्यू थी, उससे हम लोग इसको इक्वेट करेंगे बेयरिंग प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया से। ठीक है, डिजाइन प्रोसेस में देखे थे वही चीज़ यहाँ हम लोग करने वाले हैं। लेट डी सी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन बेयरिंग, एल सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन बेयरिंग इज इक्वल टू 1.3 डी सी। ठीक है, अब यहाँ पे 1.3 डी सी है। जब हम डिज़ाइन कोशिश किए थे तो वहाँ पे 1.2 डी सी दिया हुआ था। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर एग्जामिनर डाटा चेंज करना चाहता है तो वो चेंज करेगा ही, इसमें हमें दिमाग लगाना है अगर ये गिवन है तो। ठीक है, नहीं गिवन होता तो हम लोग 1.2 डी सी ही लेते, क्योंकि क्वेश्चन में 1.3 डी सी गिवन है। रेशियो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे उसमें दिया था। ठीक है, तो हम लोग यही लेंगे। ठीक है, आगे पी बी सी इज इक्वल टू बेयरिंग प्रेशर और इसकी वैल्यू क्या है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, लोड ऑन द क्रैंक पिन और बिग एंड बेयरिंग, ये क्या है प्रोजेक्टेड एरिया इंटू बेयरिंग प्रेशर और इसकी वैल्यू क्या है डी सी एल सी इंटू पी बी सी और इसकी डी सी एल सी की वैल्यू 1.3 डी सी। ठीक है, तो डी सी इंटू ये एल सी है 1.3 डी सी इंटू पी बी सी की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना हो गया 13 डी सी स्क्वायर। आगे आते हैं, सिंस द क्रैंक पिन और द बिग एंड बेयरिंग डिजाइन फॉर द मैक्सिमम गैस फोर्स। ठीक है, मैक्सिमम गैस फोर्स की वैल्यू हम लोग पिछले वीडियो में निकाले थे, तो उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफ एल की वैल्यू हम लोग निकाले थे 2474 न्यूटन और वो क्या था पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, समझ में आ जाएगा हम लोग जब वो करेंगे, क्लियर होंगे अगर वो वीडियो देखे होंगे तो एफ एल की वैल्यू समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एल और इसकी वैल्यू 2474 न्यूटन, देन डी सी स्क्वायर इक्वल 2474 अपॉन 13। ठीक है, ये 3 लग रहा है। ठीक है, ये अपॉन 13 है, तो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो अपॉन 13, देन डी सी इक्वल टू 43.6 इसको करस्पॉन्डिंग टू 44 मिलीमीटर डी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो डी सी हमारा क्या आ गया डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन बेयरिंग आ गया। एल सी की वैल्यू हम लोग को गिवन है 1.3 डी सी, तो 1.3 इंटू डी सी की वैल्यू 44 कितना हो गया 57.2, इसको राउंड ऑफ करके 58 मिलीमीटर कर लिए। ठीक है, यहाँ पे राउंड ऑफ प्रोसेस वो मैथ वाला प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उससे हम लोग को ज़्यादा ही लेना है, कम वाला नहीं लेना है। राउंड ऑफ करके हम लोग 47 पर नहीं आएंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करके हम लोग को ज़्यादा ही चाहिए। डायमेंशनिंग सेफ साइड के लिए हम लोग को डायमेंशन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो वो हमको सेफेस्ट फॉर्म देता है। ठीक है, हम लोग को सेफ देता है। ठीक है, आगे आते हैं। अभी तो मशीन डिजाइन हम लोग इतना पढ़ चुके हैं तो हम समझ में आएंगे कि राउंड ऑफ एम डी में कैसे करना है। ठीक है, बाकी मैथ का तो अलग बात है। अब आते हैं हम लोग पिस्टन पिन साइड का या स्मॉल इंड बेयरिंग साइड का डायमेंशन पता करते हैं। लेट डी पी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पिस्टन पिन बेयरिंग, एल पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पिस्टन पिन बेयरिंग, इसकी वैल्यू क्या है 2 डी पी। ठीक है, 2 डी पी ये क्वेश्चन में गिवन है 2 डी पी, इसलिए हम लोग ये 2 डी पी, वैसे डिजाइन प्रोसेस में भी ये 2 डी पी ही था तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें चेंजिंग है डिजाइन प्रोसेस में, यहाँ पे 1.2 डी सी था लेकिन क्वेश्चन में 1.3 डी सी दिया है, क्योंकि एग्जामिनर हम लोग से यही पूछ रहा है इसी तरीके से, तो हम लोग इसी तरीके से आंसर देंगे। तो 2 डी पी और पी बी पी इज इक्वल टू बेयरिंग प्रेशर, इसकी वैल्यू 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये 550 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो कहाँ से आया कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लोड ऑन द पिस्टन पिन और स्मॉल बिंग इंड बेयरिंग, डी पी इंटू एल पी इंटू पी बी पी, ठीक है ये पी बी पी है, ठीक है पी बी पी है, ठीक है। नोटेशन वैसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो नोटेशन कुछ भी रहे हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। तो डी पी इंटू एल पी इंटू पी बी पी, डी पी हम निकालना है, एल पी 2 dp यहाँ गिवेन है क्वेश्चन में, इंटू 15, ठीक है 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 13 dp² जी सॉरी 30 dp² देन पिस्टन पिन और द स्मॉल एंड बेयरिंग डिजाइन फॉर मैक्सिमम गैस फोर्स, ठीक है। अभी हम लोग क्रैंक पिन या बिग एंड बेयरिंग को भी मैक्सिमम फोर्स क्रैंक फोर्स से गैस सॉरी मैक्सिमम गैस फोर्स से हम लोग इक्वेट किए थे, इसको भी उसी से इक्वेट करना है, ठीक है। हम लोग अभी तक वही देखते आ रहे हैं, जब भी हम लोग कोई ऐसे डायमेंशन निकालनी होती है तो गैस फोर्स से इक्वेट कर लेते हैं, बस एक वहाँ पे था इनर्शिया फोर्स इक्वेट करने वाला, वो हम लोग आगे देखेंगे। देन 13 dp² = 24740 न्यूटन, dp² = 24740/30, ठीक है ये कितना हो गया 825, ठीक है dp = उसका रूट करेंगे 28.7 या 29 mm आ गया। वैसे ही एल पी की वैल्यू 2 dp है तो 2 × 29 58 mm आ गया, ठीक है। तो एल पी डी पी, ठीक है डी सी और एल सी की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। आगे साइज ऑफ द बोल्ट फॉर सिक्योरिंग द बिग इंड का, ठीक है यहाँ साइज ऑफ बोल्ट निकाल लें, ठीक है बिग इंड का ही हम लोग निकालते हैं साइज ऑफ बोल्ट, स्मॉल इंड क्यों निकालते हैं क्योंकि हम लोग डिजाइन ऑफ पिस्टन में ही उसके बोल्ट की साइज निकाल चुके हैं, ठीक है तो उस साइज में हम लोग को तो निकालना नहीं। आगे लेट डी सी बी इज इक्वल टू कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है सिग्मा टी इज इक्वल टू अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द बोल्ट और इसकी वैल्यू क्या है 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जल्दी या तो एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो हम लोग ये डाटा बुक से निकाल सकते हैं उस मेटल करस्पॉन्डिंग अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है तो गवाह नहीं हम लोग को। वैसे अगर हम लोग क्वेश्चन क्लियर रहे होंगे डाटा बुक की जरूरत नहीं होगी, हम लोग को याद रहेगा दिमाग में रहेगा 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है उस मेटल करस्पॉन्डिंग और यही हम लोग यहाँ पर कर देंगे। एन पी क्या है नंबर ऑफ बोल्ट और इसकी वैल्यू क्या है 2, ठीक है इसकी क्या वैल्यू है 2, हम लोग डिजाइन क्वेश्चन देखे थे एन पी की वैल्यू हम लोग 2 लेंगे। फोर्स ऑन द बोल्ट कितना है 5/4 dc² × σt × nb, ठीक है 5/4 dc² × σt की वैल्यू 60 है एन बी की वैल्यू 2, हमने यहाँ क्या लिए हैं 2 लिए हैं 94.26 dc², ये हमारा क्या आ गया फोर्स ऑन द बोल्ट, ठीक है। तो वहाँ से हम निकाल लिए थे बोल्ट एन बी के टर्म में एक इक्वेशन, ठीक है वो इक्वेशन हमें क्या करना है इनर्शिया फोर्स के साथ इक्वेट करना है। तो आइए देखते हैं द बोल्ट्स एंड द बिग एंड कैप आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स विच करस्पॉन्ड टू द इनर्शिया फोर्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट एट द TDC, ठीक है तो हमारा कनेक्टिंग रॉड क्या करता है रोटेटिंग मोशन को रिवॉल्यूशन मोटर और मोशन में सॉरी रिवॉल्यूशन मोशन को रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग को कहाँ पर देखना है TDC पे देखना है इनर्शिया फोर्स, ठीक है टॉप डेड सेंटर पे जहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होती है। अगर हम लोग पढ़े होंगे IC इंजन सही से आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग पता है टॉप डेड सेंटर पे थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, एग्जाम में भी आता है तो वही करेंगे। हमारे पास FI की वैल्यू थी FI का इक्वेशन था mr² r cos θ cot θ / l/r था, ठीक है ये एक पूरा इक्वेशन नहीं लिखे हम इसको बस थीटा इक्वल 0 के फॉर्म में रख के हम ये इक्वेशन रख रहे हैं, ठीक है। तो किसी को दिक्कत होगा तो वीडियो देख लेगा तो हमें समझ में आ जाएगा ये FI की वैल्यू और एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है। वैसे हम वर्बली बता दे रहे हैं FI यानी इनर्शिया फोर्स इक्वल टू mr² r, ये mr एक साथ है ये रेसिप्रोकेटिंग मास है, cos θ + cos 2θ / l/r होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए उसमें TDC पे क्या होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक वहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होती है तो उसमें हम पुट किए तो वैल्यू क्या हो गई FI = mr² r 1 cos θ यानी cos 0 की वैल्यू 1
प्लस कॉस टू थीटा, उसकी भी वैल्यू वन, यहाँ एल बाई आर था तो क्या हो गया, आर बाई एल हो गया। चलिए एम आर ये यहाँ पे गिवन है, 2.25 वैल्यू गिवन है। ओमेगा के लिए एन की वैल्यू दिया है 2 पाई एन, एन की वैल्यू 1800 गिवन है अपॉन 60। ठीक है, आर की वैल्यू हम लोग निकाले थे, याद करिए, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड, यहाँ आर की वैल्यू कनेक्टिंग रॉड से जो निकाले थे हम लोग, ठीक है, यानी 190 अपॉन 2 वो मिलीमीटर में था, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किए तो क्या आ गया 0.095। ठीक है, पिछले वीडियो में उसके बाद डिस्कस किए थे, अगर ना समझ में आए तो वहाँ देख लेंगे, 0.095 ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू अगेन 0.095 अपॉन एल 0.38, 380 समथिंग, 380 मिलीमीटर था। तो यहाँ से जो भी वैल्यू है सब मीटर में, याद रखेंगे जो भी वैल्यू है सब मीटर में रखे हैं, ये भी आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, सॉरी रिवॉल्यूशन पर मिनट में आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ मास के जी में, हमारे इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू क्या आ गई 9490 न्यूटन। ठीक है, 9490 न्यूटन एफ आई की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 9490 न्यूटन और जो इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं एनबी के टर्म में उसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग द इनर्शिया फोर्स टू द फोर्स ऑन द बोल्ट, ये इनर्शिया फोर्स आ गया 9490 इज इक्वल टू फोर्स ऑन द बोल्ट जो हम लोग अभी निकाले हैं कुछ देर पहले। ठीक है, तो 94.26 इंटू डी सी बी स्क्वायर, डी सी बी के टर्म में हमारा है, ठीक है, फोर डायमीटर के टर्म में हमारा आ गया, इसको इक्वेट करते हैं तो डी सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9490 अपॉन 94.26, और ये क्या हो गया 100.7। ठीक है, 100.7 ये मिलीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, देन डी सी बी क्या हो गया 10.03 मिलीमीटर। ठीक है, इसको अनुरूप कर दिए तो क्या हो गया 10.03 मिलीमीटर। लास्ट में डिजाइन प्रोसेस में देखे थे जो डी सी बी था, ठीक है, डी सी बी की वैल्यू के बाद हम लोग नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट निकाले थे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, डी बी इज इक्वल टू डी सी बी अपॉन 0.84। ठीक है, तो डी सी बी हमारा यहाँ आ गया 10.03 अपॉन 0.84, इसकी वैल्यू क्या आ गई 11.94। ठीक है, मिलीमीटर में है ये, ठीक है, 11.94 मिलीमीटर, और इसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया हम लोग इसको 12, ठीक है, ये 12 मिलीमीटर। तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट डी बी इक्वल टू 12 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कनेक्टिंग रॉड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर डिस्कस कर रहे हैं कनेक्टिंग रॉड के जो क्वेश्चन है वो लेंदी जरूर होते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम लोग को वो घुमा नहीं सकता एग्जाम में। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली जब नहीं घुमा सकता हम लोग को तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार जब क्वेश्चन कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार अपने हाथों से लिखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हम लोग का आईसी इंजन का डिजाइन का जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है, डिजाइनिंग ख़त्म होती है। आईसी इंजन में क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं लेकिन टू द पॉइंट होते हैं, यानी एक बार सॉल्व करते रहेंगे, डिजाइन प्रोसेस पता है तो एक के बाद एक बाद एक सॉल्व होता रहेगा। कॉन्सेप्चुअली ये नहीं घुमा सकता लेकिन जब हम लोग पहला यूनिट स्पर्क गियर, हेलिकल गियर, डिवेल गियर, वॉर्म गियर, आइदर बियरिंग वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें एग्जामिनर चाहे तो हम लोग कॉन्सेप्चुअली घुमा सकता है। ठीक है, तो आईसी इंजन समझने के लिए प्लीज़ एक बार जो भी क्वेश्चन है थॉरली नहीं देखेंगे, हम तो यहाँ सॉल्व किए हैं फिर आप लोग को यहाँ बता रहे हैं वन बाई वन। ठीक है, आप यही चीज़ आइदर बुक से या यही क्वेश्चन एक बार अपने हाथ से लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो समझ में आएगा। ठीक है, थॉरली नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।